एक टाउन हाउस है, उसका विजिट के लिए आए। देखते हैं क्या कंडीशन है, लाइट भी नहीं है। टाउन हाउस का एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस, और ये सिर्फ चार बने हुए। बहरहाल यहाँ के भी लाइट खुल गई है। ये रास्ता अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। थोड़ा सा आप इनको गाइड कर देंगे। ये एंट्रेंस होते साथ ही इसका लाउंज है। लाउंज के साथ ये किचन, तो बोला ये पीछे गैलरी है। अच्छा स्पेस है। सही सही। अच्छा ये कपड़े वगैरह के लिए सर, वो तो ऊपर भी जगह होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या है? ठीक है। लाउंज, ये किचन, और ये इसका एक बेडरूम है। लाइटें वगैरह जलाते हैं। ये इसका किचन, सॉरी वॉशरूम। इसमें WC है। ये नीचे दो बेडरूम है इसके, और ऊपर मेरे ख्याल में दो होंगे। ऊपर तीन है। ठीक है, ये सेम ही बना हुआ है। ये स्टार्ट है जी। ये इसकी बेसमेंट है। बेसमेंट में शायद थोड़ा बहुत पानी आया हुआ है। ये साइड ऊपर से भी आया और साइडों से भी आया है। पानी है लेकिन ये इंशाल्लाह निकल जाएगा। नीचे भी इन्होंने तकरीबन तीन रूम बनाए हुए हैं। ये हॉल है। सही। ये जीना है ऊपर का। लाइट देखते हैं, ब्रांड न्यू है, ये भी काम हो रहा है इसमें। शायद ऊपर लाइट अभी लगी नहीं है। नहीं, लाइट नहीं लगी अभी, ये स्लाइडिंग आ रहा है। ये हॉल है लेकिन अभी इसमें लाइट नहीं है। ये एक बेडरूम है, देख लें। ये इसका तीसरा बेडरूम। अभी लाइट नहीं है लेकिन अच्छा बना हुआ है। वॉशरूम है, ब्रांड न्यू है, अभी इसमें काम हो रहा है। स्लाइडिंग डोर हैं जो कि शायद लॉक हैं, नहीं खुले हैं। थ्री साइड का बालकोनी है इनकी, और ये पीछे पार्किंग एरिया है सारा। इसमें लॉन में नहीं है खाली लाइट, ऊपर का रूम में लाइट है, लॉन में अभी लाइट नहीं है। ये वॉशरूम, इसमें कमोड है। एक बेडरूम ये है, और सीलिंग का सारा काम हुआ है। ये तीनों तरफ से डक दिए मैंने।
नहीं, वेस्ट की तरफ से भी आएगी ना। तीन है ना, एक बेडरूम वो था और एक ये, एक बेडरूम ये है। इसमें ऊपर तीन बेडरूम है और नीचे जो है दो बेडरूम है। ड्राइंग डाइनिंग जो है बेसमेंट में जी। ये छत है, छत भी दिखा देते हैं आपको। ये तीसरा वॉशरूम सेकंड फ्लोर का, सॉरी फर्स्ट फ्लोर का। इसमें भी कमोड ही है। छत पे देखते हैं क्या सोते हाल है, देख लेते हैं। इस टाइम शाम का टाइम है, ये छत है इसकी। छत की वीडियो बनाना बेकार है, इसलिए अल्लाह हाफिज़।